प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा आठवीं में। आइए नया लेसन स्टार्ट करते हैं, लेसन नंबर 16, लाइट। तो बच्चों, आपको पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं, उनमें से आंखें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो आंखों के बिना हम कुछ भी नहीं देख पाते, लेकिन अंधेरे कमरे में क्या हमें कुछ नजर आता है? इसका उत्तर है नहीं। अंधेरे कमरे में हमें कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। हमारा आज का अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? बच्चों, आपको पता है हमें ये वस्तुएं नजर क्यों आती हैं? जब प्रकाश की किरणें इन वस्तुओं से हमारी आंखों में पड़ती हैं, तो ये वस्तुएं हमें नजर आती हैं। यह प्रकाश चाहे तो उस वस्तु से उत्सर्जित हो या फिर परावर्तित। तो प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार धरातल से टकराती है, तो वह वापस मुड़ जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए इसे चित्र के द्वारा समझाते हैं। यहाँ हमने पॉलिश सरफेस ले लिया है, कोई मिरर भी ले सकते हैं। यहाँ भी सोर्स ऑफ लाइट है। यह सोर्स ऑफ लाइट सूर्य, बल्ब या टॉर्च भी हो सकती है। प्रकाश के सोर्स से अनगिनत किरणें चलती हैं और चमकदार धरातल से या दूसरे धरातल से टकराती हैं। लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर एक किरण को कंसीडर करेंगे। तो एक प्रकाश की किरण यहाँ से चली और चमकदार धरातल से टकराई, तो जो किरण चमकदार धरातल से टकराती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे या आपतित किरण। टकराने के बाद वह किरण वापिस मुड़ जाती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर ये आपतित किरण या इंसिडेंट रे टकराती है, उसे कहते हैं आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु से अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, एक अभिलंब खींचें, तो वह आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनेगा, उसे दो भागों में डिवाइड करेगा, जिसे जो एंगल आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा, उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। और जो एंगल या जो कोण अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच में बनेगा, उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण। ये अभिलंब पॉलिश सरफेस से 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आइए प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझें। तो इसका पहला नियम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपतन कोण हमेशा ही परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव ही परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब सदैव एक तल में रहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब सदा एक तल में रहते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में हम इन नियमों को एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। थैंक यू। एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।